नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ चुई सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही, योगी कैबिनेट की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कैबिनेट की मीटिंग, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। तो लखनऊ से अहम जानकारी, योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही। लखनऊ से ये जानकारी, योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 11 बजे का वक्त बताया गया था और अब जो है कुछ ही देर में इसके शुरू होने की खबर जो है सामने आ रही है और सीएम योगी खुद इस कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। जहां बताया जा रहा है कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ अगर बात करें तो चुनाव के बाद से एक्शन में योगी सरकार भी नजर आ रही है और इस दौरान जो है कई तरह की समीक्षाएं भी कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों की बात करें या नेताओं की बात करें, सभी से जो है कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। और लगातार एक बार फिर से अब जो है कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट? बिल्कुल जूही, देखिए आज ये आपसे मैच कुछ देर में लोकभवन में योगी कैबिनेट की जो बैठक है वो होने जा रही है और कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैच कुछ मिनटों में जो ये बैठक है वो शुरू होगी। और माना जा रहा है कि आज इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव अलग अलग विभागों के जो हैं वो रखे जाएंगे। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो आज बैठक में रखे जा रहे हैं उसको लेकर अभी ऑफिशियली तौर पर जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा पर्यटन विभाग है और इसके अलावा सबसे अहम जो है वो आज की वर्ष 24 और 25 के लिए जो ट्रांसफर नीति है उसको आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। यानी कि अब से मैच कुछ देर बाद जो बैठक शुरू होगी उसमें कई अहम आज के ये प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए और कौन कौन से प्रस्ताव को मंजूरी मिली उसको लेकर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करी जाएगी जो 12:30 बजे होगी लोकभवन में। ये बैठक जो है प्रेस ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। फिलहाल अभी तकरीबन सभी सदस्य जो हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, लक्ष्मी नारायण चौधरी हों, जयवीर सिंह हो, सभी जो सदस्य हैं कैबिनेट के वो पहुंच चुके हैं और अब से मैच कुछ देर में जो ये बैठक है वो शुरू होने वाली है। आज की बैठक इसलिए भी कई मायनों में अहम है चूंकि आचार संहिता लगने के बाद से आज ये पहली कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई गई है और अब आचार संहिता जब हटी है, चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई गई है और इसीलिए माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो है वो रखे जा सकते हैं और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। पीएम, बताया जा रहा है कि इस दौरान जो प्रदेश के एक चीर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका किस तरीके से रियलिटी है, क्या कुछ अभी तक ग्राउंड पर रिपोर्ट देखने को मिली है, सभी चीज़ों को लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा की जाएगी। जो इकोनॉमी है जो प्रदेश की उसको बढ़ाने की जो बात कही जा रही है तो उसमें किस तरीके से कौन कौन से प्रस्तावों को जरूरत है या अन्य जो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लाने की जरूरत है, तो इन सभी चीज़ों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक में रखेंगे। अलग अलग ये विभाग जो है वो रखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर भी कई प्रस्ताव जो है वो आज रखे जाने की जो सूचना है वो मिल रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर इसको कंफर्म नहीं किया गया है क्योंकि अभी 12:30 बजे के करीब जो है वो प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव आज रखे गए और किन प्रस्तावों को आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। चिप्रियम, अगर हम बात करें चुनाव के लिहाज से तो इस दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिली है बताया जा रहा है उसको लेकर भी इस दौरान समीक्षा कर सकते हैं और पहले भी हमने देखा है कि सीएम योगी जो है अलग अलग विभागों से पूरे ब्यौरे की जानकारी भी इकट्ठा करने को कहा गया था उनकी ओर से। देखिए जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह सब विभागों की जो समीक्षा समय समय पर वो करते रहते हैं, खुद को देखते रहते हैं और अब एक विभाग वार वाइज जो है हर एक एक विभाग की जो है वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की जो ये बैठक है वो कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के अंदर अलग अलग विभागों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो रखे जाते हैं और उन्हीं को लेकर चर्चा की जाती है। तो आज ऐसा नहीं कि इसमें समीक्षा वो करते हुए नजर आएंगे कि किसी विभागों की वो समीक्षा कर रहे हैं, आज केवल कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उसकी जरूर समीक्षा सभी कैबिनेट के सदस्य करेंगे और उसके बाद कुछ जो प्रस्ताव होंगे उनको मंजूरी मिलेगी, कुछ प्रस्ताव होंगे जिनको नामंजूर किया जाएगा। तो ये जरूर देखना होगा कि कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो रखे गए और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। समीक्षा की जो बात है वो अलग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में बैठक कर चुके हैं, अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ में बैठक कर चुके हैं और आज जो ये बैठक है वो कैबिनेट की बैठक है जिसमें ऐसे प्रस्ताव जिनको कैबिनेट से अप्रूवल की जरूरत है, आवश्यकता है, उनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। जी, और बात करें तो अभी कौन कौन से लोग वहां पहुंच चुके हैं क्योंकि सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर में जो है शुरू भी होगी ये बैठक।
देखिए कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंच चुके हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, धर्मवीर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कई अन्य जो सदस्य हैं, एके शर्मा है मंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यानी तकरीबन सभी सदस्य जो योगी कैबिनेट के हैं वो आज इस बैठक में पहुँच चुके हैं शामिल होने के लिए। जी प्रियमा, बने रही हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने जा रही है और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद जो ये पहली बैठक है और काफी अहम माना जा रहा है। और वहीं मैनपुर से खबर सामने आ रही, करहल से आज इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने सीएफआई के नेताओं के साथ की मीटिंग। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने लिया फैसला, आज सुबह लखनऊ पहुंचकर देंगे करहल से इस्तीफा। कन्नौज से सांसद की सीट अपने पास रखेंगे अखिलेश। तो ये जानकारी सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग की है और बताया जा रहा है करहल से आज इस्तीफा दे सकते हैं। वही कन्नौज से सांसद की सीट अपने पास ही रखेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही, मैनपुरी से मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है और बताया जा रहा है सीएफआई में नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है। तो ये जानकारी, करहल से आज इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव और सीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग हुई जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। मैनपुरी से यह जानकारी निकल के सामने आ रही, करहल से आज इस्तीफा दे सकते अखिलेश यादव। सीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग की और बताया जा रहा है लखनऊ पहुंचकर इस्तीफा देंगे। और लगातार प्रियम पाठक हमारे साथ बने हुए। प्रियम, करहल से आज अखिलेश यादव के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद वहां से चुनाव लड़े और जो जीत हुई है उसके बाद माना जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी विधानसभा को छोड़कर अब वो दिल्ली संसद की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि दोनों जगह के सदनों की सदस्यता नहीं रह सकती, एक सदन की से जो है वो इस्तीफा देना होगा। और इसलिए जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में, अपनी पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ में चर्चा करी है और उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि जो मैनपुरी की करहल विधानसभा की सीट है वहां से वो इस्तीफा देंगे, यानी कि विधानसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा देंगे और संसद में वो अब वहां पर जो है अपनी पार्टी की तरफ से प्रेजेंट होंगे। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का मैंडेट आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी ने 37 उसके जो एमपी हैं वो चुन के सीधे लोकसभा पहुंचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पूरा लक्ष्य होगा कि वो वहां पर जाएं और अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। यहाँ पर अब देखना होगा कि उनकी जगह पर, चूंकि वो नेता विरोधी दल के तौर पर यहाँ पर थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में थे, तो उस पे अब किसको यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो जानकारी के मुताबिक आज जो है वो अपने करहल विधानसभा की जो सदस्यता है विधायक के तौर पर उससे आज इस्तीफा दे सकते हैं। और उसके बाद ये भी थी कि अब जो है ये पदभार जो है चाचा शिवपाल को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर चूंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो सदन के अंदर खाली हुआ है, तो ऐसे में वो पद अब किसको दिया जाएगा, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पार्टी में शिवपाल यादव का चूंकि कद भी बढ़ाना है और जिस तरीके से शिवपाल यादव जब साथ में आए हैं उसके बाद से पार्टी की जिस तरीके से मजबूती हुई है, पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी रख सकती है। लेकिन इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चा जरूर शिवपाल यादव के नाम को लेकर चल रही है कि अखिलेश यादव की जगह पर अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर शिवपाल यादव कर सकते हैं। जी, तो क्या अखिलेश यादव इस्तीफे के लिए लखनऊ में मौजूद है वहां, क्योंकि खबर आ रही है कि वहां पहुंचकर जो है इस्तीफा दे देंगे और अपने कन्नौज से जो सांसदीय की सीट है उस पर बरकरार रहेंगे। देखिए बिल्कुल, अखिलेश यादव माना जा रहा है कि आज शाम से पहले पहले जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं और उसमें वो अपने करहल की विधानसभा की जो सदस्यता है उससे वो इस्तीफा देंगे। कन्नौज से जो वो बतौर सांसद के तौर पर चुने गए हैं उसको बरकरार रखेंगे और सीधे तौर पर अब लोकसभा के अंदर जो है वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारी के लिए। तो मीटिंग के बाद जो है ये फैसला लिया गया है और अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा देकर जो कन्नौज की सीट है वहां से सांसद बने रहेंगे। और बढ़ते आगे, मोदी मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारे के बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कार्यालय पहुंचे और विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विदेश मंत्री को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। position us
as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced. I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, I of course am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interests forward. So really a great pleasure to meet you all on my first day of work, and thank you very much for coming. और वही भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार 3.0 में फिर से पर्यावरण मंत्रालय मिला है, जिसके बाद आज भूपेंद्र यादव अपने कार्यालय पहुंचे और पदभार जो है वो ग्रहण किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंत्रालय द्वारा कई अहम कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है हम उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही हम कई महत्वपूर्ण काम आगे भी करेंगे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के चैलेंजेस डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं, उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। पर ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया, उसके साथ ही साथ परिवेश पोर्टल को लागू किया गया, अनेकों विशेष रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है। अब देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता हमने किया है, जो एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई उसको बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस जैसे बड़े क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम हुए। भारत ने जो दुनिया में अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है उसमें भारत ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय विकास के साथ साथ
देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जब यूएई में कॉप हुई तो उसको लॉन्च किया गया और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री भाई कीर्तिवर्धन जी ने भी आज ज्वाइन किया है। कीर्तिवर्धन जी उत्तर प्रदेश से पांचवी बार सांसद बने हैं और हम दोनों मिलकर के इस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चलाने का काम। 100 ब्रिज के आपके क्या टाइम? मैंने सारे और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया, इसके बाद कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला। देखिए ये तो हम जब वहां चार्ज लेने जाएंगे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी के अंडर में, तो डिटेल तो हमें भी वहीं पता चलेगी। अभी तो हमें ये केवल एहसास है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए हमें, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी उनका मार्गदर्शन उनको मिला करेगा और उसके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। देखिए उनका काम ही इस तरह की चीजें कहना, उन लोगों का हमेशा कोई कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं रही है, हमेशा एक दूसरी सोच के साथ काम किए हैं। हम लोगों ने पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा है सदन का, कि हर सदन को किस तरह डिस्टर्ब किया गया, पूरा मौका उनको दिया गया हर इश्यू पे डिस्कशन करने का, लेकिन डिस्कशन करने पे नहीं आए, केवल हल्ला मचाते रहे और सदन का काम नहीं होने दिया। आज जो कोई भी ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक क्षण के लिए अगर मान भी लिया जाए तो क्या उनकी तरफ से आज कोई हिम्मत रखता है कि प्रधानमंत्री का नाम बता दे, कि अगर हम लोगों की सरकार नहीं रहती है तो कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा, आज तक कोई नहीं कह पाया है। और केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला, इस दौरान अधिकारियों ने पूरी गर्मजोशी के साथ रेल मंत्री का स्वागत किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री को एक बार फिर जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है और इसमें रेलवे का एक बड़ा रोल रहेगा। प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में रेलवे का बड़ा सुधार किया है और रेलवे ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, इसलिए रेलवे को केंद्र करके रखा गया है और एक भावनात्मक संबंध है और इसी विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ऐसा मंत्री ने कहा है। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ, इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ, हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। कल पीएम ने पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, देश की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है,
और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया, धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।